तो आर्किमिडीज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मच विल अ बॉडी ऑफ 70 न्यूटन वे, इसका मतलब इसका जो एक्चुअल वेट है वो कितना है, 70 न्यूटन है। कहां वेट करवाना है उसे, वाटर में, तो वाटर में वेट क्या है, W2, ये मुझे निकालना है। 70 न्यूटन से तो आंसर कम ही आएगा पानी में, क्यों कम आएगा, क्योंकि लॉस इन वेट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या आएगा, अप थ्रस्ट या वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये लगेगा रिजल्ट, एक ही रिजल्ट आता है हमें, ये कौन सा तैर रही है बॉडी, तो लॉस इन वेट इज अप थ्रस्ट या लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। इसके अंदर W1 तो मुझे पता है कितना 70, W2 मुझे निकालना है, अगर आप मुझे वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकाल दो आंसर आ जाएगा। अब वेट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, क्योंकि पानी का वेट है तो पानी की डेंसिटी, क्या है रूल क्लियर है यहां तक, ऐसे करना पड़ेगा। अब इसमें 70 माइनस W2 इज इक्वल टू, बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है, कितने लोग बोलते हैं 200 ml ऑफ वाटर, दे तो रहे 200 ml ऑफ वाटर यही है, तो 200 ml का मतलब क्या होता है, 200 × 10^-6 मीटर क्यूब, SI में, SI भाई SI न्यूटन चल रहा है, SI मीटर क्यूब में करना पड़ेगा, मिलीलीटर का मतलब 10^-3 लीटर, फिर आगे लीटर को मीटर क्यूब में, 10^-6 मीटर क्यूब, क्लियर है, इनटू जी की जगह 980 की जगह चलो 10 पुट कर दो, बात खत्म, ठीक है। यहां से क्या आएगा W2, तो W2 जो आएगा उसके यूनिट्स क्या होंगे बताओ, न्यूटन, 68.04 न्यूटन, ये नया वेट आएगा, W2 आंसर है। आपको और कुछ आता क्या है, आपको डेफिनेशन एक तो आती है सिर्फ, टोटल वही तो लगानी है, पानी की डेंसिटी, एक पानी की डेंसिटी पुट नहीं की, अच्छा पानी की डेंसिटी पुट करनी है इसमें 1000, 1000, क्यों, SI चल रहा है ना भाई, न्यूटन चल रहा है SI, तो 1000, अगर यहां डाइन चल रहा होता तो एक देख लेते ना क्या चल रहा है, अच्छा 10 लिया मैंने, 68 आएगा, ओके मैंने 10 लिया तो 68 कर लो, ठीक है भाई, 9.8 होता तो फिर चेंज हो जाता, 9.8 लेके करना आप, इतनी जीरो देख के ना मन कराता है 10 ही लगा दो। ये लो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, जरा क्या आंसर आ रहा है बताओ,
अपना मेथड लगाता हूँ पहले, पर ये देख ले फिर तुम्हारा भी चेक कर लेते हैं। देखो जरा, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें एक ही लाइन लिखनी आती है, याद रखना, और वही लिख दो पहले। वेट 6 kg इन एयर, तो बोलो W1 कितना है, W1 कितना है, वेट न्यूटन में होता है भाई, केजी में नहीं होता। 6 × g, भूल ना जाना, केजी के साथ मत कराना, 6 × g वेट है न्यूटन। एंड डेंसिटी आपको गिवन है, इसकी बॉडी की डेंसिटी गिवन है। व्हाट इज एपरेंट वेट इन वाटर, क्या निकालना है, W2 निकालना है। मेरे को तो एक चीज पता है कि इसके अंदर W1 माइनस W2 इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। मेरे को कुछ नहीं आता भाई, मैं अपना बाद में क्वेश्चन पढ़ूंगा क्या है, बस जो आता है वो लिख दूं पहले, और जो गिवन है वो तो मार्क कर लूं। तब W1 क्या है, 6 g, W2 निकालना है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस में वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ठीक है, ऐसे चल रहे तो 9.8 के साथ करेंगे। अब अगर कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर बता दे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये पूरी की पूरी बॉडी सॉलिड आपने पानी में डाल दी, तो बॉडी का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है, तो बॉडी से पूछ लो भाई तेरा वॉल्यूम कितना है, पानी का भी कोई पुट कर देना, तो बॉडी का वॉल्यूम कितना है, बॉडी का मास पता है और डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या है, मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो बॉडी की डेंसिटी कितनी है, 2000 है, मास इसमें कितना है, 6 है, और वॉल्यूम यहां से निकाल लेना, तो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी 6 / 2000, यही वॉल्यूम किसका हो जाएगा, वाटर का। W2 निकाल लेना, W2 के यूनिट्स क्या आएंगे, न्यूटन। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आंसर किसमें गिवन है, केजी में, तो एंड में क्या करेंगे, जी से डिवाइड, तो मास आएगा वो ऑप्शन देख के। वैसे न्यूटन में छोड़ देना, और ऑब्जेक्टिव आता है और केजी में आता है, तो फिर जो भी वेट आएगा न्यूटन में 9.8 से डिवाइड करके मास आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा थर्ड, आपको एक ही चीज आती है, लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्ले, पहले लिख लेना प्लीज, फिर देखो क्या मिसिंग वैल्यू आपको चाहिए इसमें। इसके अंदर क्या गिवन है, सॉलिड वेज 10 N इन एयर, तो बोलो क्या गिवन है, W1, W1 कितना है, 10 N है, इट्स वेट डिक्रीजेस बाय 2 N। अब ये क्या गिवन है, W1 माइनस W2, 2 N गिवन है, यानी कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस गिवन है, या थ्रस्ट गिवन है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। एक बात बताओ,
एक टर्म सिखाई थी अभी, रिलेटिव क्या सिखाया था, डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, तो ये कितने हैं 10, ये कितने हैं 2, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 0.2। रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन नंबर 2 क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या आ गई 0.2 इनटू 1000 केजी पर मीटर का क्यूब, आंसर 5 क्या है, सॉरी 5 आएगा, सॉरी 5 आएगा, तो यहां पर 5 कर लेना, ओके यहां पर 5 कर लेना आंसर। ये ठीक है ना मेथड, ये ज्यादा छूट है, रिलेटिव डेंसिटी काम आ गई, कभी भी बॉडी की डेंसिटी निकालनी हो और लॉस इन वेट गिवन हो, बेस्ट है कुछ भी ना करो, रिलेटिव डेंसिटी निकाल दो वहां से, 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर। लंबा मेथड भी कर दूं, ठीक है इससे छोटा है नहीं वैसे। क्या पॉइंट क्लियर है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन है, कॉपर क्यूब जिसका मास 0.50 केजी है, वेट इन वाटर, एक कॉपर का क्यूब है, तो ये क्यूब जो है वो कॉपर का बना हुआ है और जिसका मास क्या है 0.50 केजी, पानी में वेट किया गया तो कितना आ गया 0.40 केजी, तो वेट किस में आ गया, वेट इन वाटर आ गया, ठीक है वेट इन वाटर आ गया, तो वेट इन वाटर में इंटू जी भी करना पड़ेगा 0.40 इंटू जी, और एक्चुअल वेट कितना है, एक्चुअल वेट 0.50 इंटू कितना जी, ये एक्चुअल वेट है, पानी में कम आ गया। अब कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ जो कॉपर है ना वो इसके इक्वल है, और पानी की डेंसिटी सबको पता ही है, आपको बताना है कि क्या ये क्यूब खाली है या भरा हुआ है कॉपर से, कैसे पता लगेगा, क्या निकालने जिसे पता लग जाए डेंसिटी निकालने क्यूब की, अगर तो डेंसिटी इसके इक्वल आ गई फिर तो मटेरियल क्यूब से कॉपर से भरा पड़ा है, और अगर इससे कम आ गई कहीं तो अंदर खाली है, तो आपको डेंसिटी ऑफ क्यूब निकालनी है। डेंसिटी ऑफ क्यूब निकालने के लिए फाइंड रिलेटिव डेंसिटी अभी करवाया मैंने, तो डब्ल्यू वन क्या है 0.50 g, 0.50 g, 0.40 g, तो क्या आ गई रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसे सॉल्व करके डेंसिटी ऑफ क्यूब निकाल लेना, जो कि कोई 5×10³ आ रही होगी, जो कि एक्चुअल कॉपर की डेंसिटी से काफी कम है, इसका मतलब ये क्यूब अंदर से खाली है। समझ में आ रहा है यहां तक, कैसे चेक करना है, ठीक।
रोटेशन प्रिंसिपल लगेगा, तैर रही है बॉडी। अब ये मत लगाना लॉस इन वेट वाला, अब लगाना कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज होल वेट ऑफ द बॉडी। डेफिनेशन नंबर टू करो स्टार्ट। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है, एक सॉलिड फ्लोट्स इन वाटर विथ 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। तो अगर ये वी है, ये 3/4 ऑफ वी है। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो बॉडी की डेंसिटी निकालनी है आपको। क्या इसमें क्या सिखाया था, जो भी ये वेट डिस्प्लेस करेगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ बॉडी। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस में बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ, 3/4 V। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 1000 इनटू जी। होल वेट में टोटल वॉल्यूम कितना है, वी। डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो यहां से वी कैंसल, जी से जी कैंसल, डेंसिटी ऑफ बॉडी आ जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे फ्लोटेशन प्रिंसिपल लगेगा, और फ्लोटेशन प्रिंसिपल बता दिया मैंने कैसे लगेगा। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने बाकी बची हुई शीट मैंने क्लास में करवानी है, पर मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार पहले करके आए ताकि कुछ आइडिया हो आपको कि क्या लगाना है। अगर मैं ही करता रहूंगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। आप थोड़ा सा करके आए, जहां अटकेंगे वो मैं करूंगा, क्वेश्चन सारे करेंगे हम, एक बार प्रैक्टिस करके आए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।